नून पंजाब से सेनेट की 5 नशिस्तों पर कामयाब। पंजाब से टेक्नोक्रेट की नशिस्त से मुसद्दिक मलिक और वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब सेनेटर मुंतखब। खातीन की नशिस्त पर नुशरे रहमान और बुशरा अंजुम कामयाब। अकलियती नशिस्त पर खलील ताहिर संधु कामयाब करार। डॉक्टर यास्मीन राशिद और सनम जावेद कामयाब ना हो सकें। 6 वोट मुस्तरद कर दिए गए। पंजाब में ख्वातीन और टेक्नोक्रेट्स की 2-2 जबकि अकलियत की 1 नशिस्त के लिए वोटिंग हुई। पोलिंग का अमल बगैर वक्फे के 4 बजे तक जारी रहा। अवाम को फ़ायदा ज़्यादा पब्लिक सेक्टर G2G। मेरा दिल तो हमेशा होता है गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील करने में, ताकि दरमियान में कोई किसने पैसे कमाए, कौन सी प्राइवेट सेक्टर की कंपनियाँ थी दरमियान में, ये नॉनसेंस ख़त्म होनी चाहिए। सरकार करे फैसला, दूसरी सरकार से ले, डिस्काउंट क्लियर हो ताकि फ़ायदा आवाम तक पहुँचे। आवाम की आवाज़ को पार्लियामेंट में लाया जाए। मौशी इस्तेहकाम के लिए सियासी इस्तेहकाम वक्त की बड़ी ज़रूरत है। वफाकी वज़ीर मुसद्दिक मलिक की मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि मुल्क में गुरबत के खात्मे के लिए दोनों हाउसेस का फाल होना ज़रूरी है। मुल्क बहुत मुश्किल वक्त से गुजर रहा है। के अंदर जहां एक ही दिन सेनेट के इलेक्शन होते हैं हर सूबे के अंदर, वहां पर एक सूबाई असम्बली जो है वो भाग रही है, उसकी हुकूमत डर रही है और वो जो है वो इलेक्शंस के लिए तैयार नहीं है। इलेक्शंस के लिए उन्होंने आज हाउस को कन्वीन भी नहीं किया। अफसोस है, खैबर पख्तूनख्वा में ना किसी कानून ना जाब्ते का इतलाक होता है। एक सूबाई असम्बली भाग दौड़ कर रही है, इलेक्शन के लिए तैयार नहीं है। सूबाई वजीर इत्तला'आत अज़मा बुखारी की पंजाब असम्बली के बाहर गुफ्तगू। बोली, आईनी खिलाफ वर्जी आला अदलिया देख रही है। आप आइन को मोम की नाक की तरह मोड़ नहीं सकते। केपी वालों को सबसे ज्यादा पंजाब की फिक्र है। हुकूमत ने आवाम पर पेट्रोल बम के बाद बिजली भी गिरा दी। नेपरा ने बिजली 2.75 रुपये फी यूनिट महंगी कर दी। बिजली सार्फिन पर 85 अरब 20 करोड़ रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। सार्फिन से इजाफी वसूलियां अप्रैल मई और जून में की जाएंगी। शहरी हुकूमत के खिलाफ फटपड़े, कहते हैं हुक्मरान रिलीफ देने आए थे, बिजली और पेट्रोल महंगा करके तकलीफ दे रहे हैं। हम तो ये कह रहे थे कि ये हुकूमत आई है, हमें अलीफ कोई मिले, लेकिन नहीं मिला कोई, हमें अलीफ नहीं मिला। और महंगाई इन्होंने और महंगाई कर दी है, बिजली और बढ़ा दी है, पेट्रोल और बढ़ा दिया है, सुई गैस और बढ़ा दिया है। हम तो ये बिल भर भर के मर रहे हैं। काम का बेड़ा गर्क हुआ है इन्होंने, जब से ये 18 महीने से आए हैं इन्होंने काम का बेड़ा गर्क कर दिया है। हम बिजली के बिल नहीं दे सकते, गैस का बिल नहीं दे सकते, अपना खाना नहीं खा सकते अच्छे तरीके से। गरीब आदमी रोटी से मुताज है, आपको क्या बताऊँ। ये आई है ना हुकूमत जी, हम इलेक्शन नहीं लड़ रहे, हम ये बिजली और गैस का बिल सही करने आए हैं, ये बिल सही करने हैं, गरीब आदमी कहाँ जाएगा। लाहौर की तमाम छोटी बड़ी सड़कों की तामीर और मुरम्मत का फैसला। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास। मरियम नवाज ने गलियां पक्की बनाने और टफ टाइल लगाने के मंसूबे की मंजूरी दे दी। वज़ीर आला ने हंगामी बुनियाद पर तकमील के लिए 3 माह की डेडलाइन दे दी। लाहौर के तमाम वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स फाल करने का हुक्म। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से मुख्तलिफ अज़ला के अरकान असम्बली की मुलाकात। अरकान सूबाई असम्बली ने अवामी मसाइल और ज़रूरियात से आगाह किया। अरकान ने डेवलपमेंट के लिए अपनी तजावीज़ और सिफारिशात पेश की। मरियम नवाज के काबिल अमल तजावीज़ पर अमल दरामद के अहकामात। बोली के पंजाब भर में 600 रोड की तामीर मुरम्मत, 5 एक्सप्रेस वे और 3 मोटरवेज बनाएंगे।